हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का पार्ट वन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 17 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं रेलवे ग्रुप डी के, और उसी के लिए करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस हम इसके अंदर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 जिस देश में ऑर्गेनाइज हो रही है उसका नाम क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है 2018 की, वो होने वाली है श्रीलंका में। वहीं अगला क्वेश्चन है नीति आयोग और जिस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर फसल उपज भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया है वो कौन सी कंपनी है। तो देखिए, नीति आयोग ने जिसके साथ ये टाइप किया है और ये विकसित किया है मॉडल, वो है IBM। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने लगभग पूरी पृथ्वी के लिए इस प्रकार का प्राकृतिक आपदा की चेतावनी जारी की है। तो स्टूडेंट्स, ये है सोलर तूफान। नासा ने हाल ही में पूरी पृथ्वी पर सोलर तूफान की चेतावनी जारी की है। वहीं अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया मिशन कौन सा है। तो नासा द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है वो है इनसाइट। मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करेगा ये मिशन और लॉन्च किया गया है इसे नासा द्वारा। वहीं अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पलायन के चलते पूरी तरीके से कितने गांव खाली हो चुके हैं और गांव की संख्या क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, 734 ऐसे गांव हैं उत्तराखंड के अंदर जो कि पलायन की वजह से खाली हो गए हैं। वहां से लोग गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में या दूसरे इलाकों में चले गए हैं। तो याद रखिएगा, 734 ऐसे गांव हैं उत्तराखंड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी महिला जिन्हें अमेरिका के अंतरिम सिविल कोर्ट के अंदर जज नियुक्त किया गया है तो वो है दीपा आंबेकर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स से ही है, भारत ने जिस पुरुष खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अब देखिए स्टूडेंट्स, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक लिस्ट निकालता है जिसके अंदर वो बैडमिंटन रैंकिंग बताता है, तो बैडमिंटन रैंकिंग के अंदर तीसरा स्थान मिला है भारत के एक पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी को और वो है किदांबी श्रीकांत। याद रखिएगा नाम, किदांबी श्रीकांत नाम है इनका, बैडमिंटन खेलते हैं भारत की तरफ से और तीसरा स्थान है बैडमिंटन रैंकिंग में इनका। भारत और जिस देश ने दवाओं के संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग के बढ़ाने का निर्णय लिया है वो कौन सा देश है। तो स्टूडेंट देखिए, वो है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में टाइप हुआ है कि जो दवाओं से संबंधित अपराध है उनका मुकाबला किया जाएगा और उनके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए, जिस ऐप के जरिए अपने सदस्यों अथवा हितकारियों को विभिन्न तरह की ई सुविधाएं ई सेवाएं मुहैया कराने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संघ यानी कि EPFO ने नई सेवा शुरू की है, और इस सेवा का नाम क्या है, मतलब आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है बेसिकली। तो देखिए, EPFO द्वारा शुरू की गई है उमंग ऐप जो कि ई सेवाएं मुहैया कराएगी सभी कर्मचारियों को। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा नेक्स्ट है, वह देश जहां पर ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसके अंदर यह बताया गया है कि 2000 से अधिक लोग बेवजह ही हिरासत में बंद हैं, तो वो देश है सऊदी अरब। लॉस काफी कड़े माने जाते हैं सऊदी अरेबिया के, तो सऊदी अरब के अंदर ऐसे रिपोर्ट जारी की है ह्यूमन राइट वॉच ने। फेसबुक एशिया का अपना डाटा सेंटर जिस देश में खोलने के लिए करीब 7190 करोड़ रुपए निवेश करेगी जो 2022 तक शुरू होगा, वो देश कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला डेटा सेंटर खुलने वाला है फेसबुक एशिया का सिंगापुर में। वहीं अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस शहर में विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है वो शहर कौन सा है। तो स्टूडेंट देखिए, वो शहर है दिल्ली। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शूटर हृदय हजारिका ने कोरिया में जारी ISSF विश्व चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शूट ऑफ के जरिए जो पदक जीता है वो कौन सा पदक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय शूटर हृदय हजारिया ने जीता है स्वर्ण पदक, और ये स्वर्ण पदक कहाँ जीता है, विश्व चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। याद रखिएगा नाम, हृदय हजारिका। भारत ने 5 सितंबर 2018 को जिस देश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो देश कौन सा है। तो देखिए, वो देश है बुल्गेरिया। याद रखिएगा, बुल्गेरिया नाम का देश है जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।